हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, काफ़ी सारी सोल्स की क्वेरी होती है कि काफ़ी सारे एंजल नंबर इनको एक साथ नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि कई सोल्स को 333, 111, 555 इस तरह के कॉम्बिनेशन के नज़र आएंगे। कई सोल्स को इससे अलग अलग डिफरेंट वाइब, और हो सकता है कई सोल्स को लगातार 2-3 ईयर्स से एक ही तरीके के एंजल नंबर्स का प्रोजेक्शन हो रहा हो। ये न्यूमेरिक प्रोजेक्शन होते हैं, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बट ऐसा है कि इनकी गाइडेंस को टाइमली रिसीव करने पर ये बाद में आपको नहीं दिखते हैं, ठीक। अब जो सोल्स की इस तरह से क्वेरी होती है कि हमें 2-3 ईयर्स हो गए, कुछ सिमिलर एक ही तरीके के नंबर बार बार नजर आ रहे हैं, तो डियर उनके लिए मैसेज है कि आप अपनी उन गाइडेंस को रिसीव कीजिए। कई बार जब एंजल नंबर आपको नजर आ रहा होता है पर इस एंजल नंबर की गाइडेंस आप प्रॉपर रिसीव नहीं कर रहे होते, तब आपको वो कंटिन्यू नजर आ रहा है। अब इस बीच कोई दूसरा गाइडेंस आपके एंजल, आपके स्पिरिचुअल टीम ने आपको देना है, ठीक है। फिर वो गाइडेंस के लिहाज से जो भी न्यूमेरिक प्रोजेक्शंस होंगे आपको वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और पहले वाले गाइडेंस को आपने पूरी तरह रिसीव नहीं किया तो वो पेंडिंग रहेगा। बड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आपको 5-6 एंजल नंबर कंटिन्यू नज़र आ रहे हैं, 5-6, और ये लगातार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये इससे ज़्यादा हो गया, बीच में वो थोड़ा सा कम हुए हैं दिखने पर बंद नहीं हुए, अभी तक वो कंटिन्यू है, तो मानकर चलिए कि आपने उन गाइडेंस को अभी तक पूरी तरह रिसीव नहीं किया है। जिस दिन आप उन स्पेसिफिक एंजल नंबर की गाइडेंस को एकाएक रिसीव कर लेंगे, टाइमली रिसीव कर लेंगे, उसके बाद वो आपको नहीं दिखते, उसके बाद कोई दूसरे जो एंजल नंबर होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। अगर कंटिन्यू आपको वो नज़र आ ही जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया और अभी भी कंटिन्यू है, तो मानकर चलिए डियर कि आपने अभी तक वो गाइडेंस को रिसीव नहीं किया, तो आप कोशिश कीजिए उस गाइडेंस को रिसीव करने की। इसमें बाकायदा आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर ज़रूर आपको करूँगी, यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने मैसेजेस को बता सकते हैं। और ऐसा है कि 2-3 एंजल नंबर का कुछ 5-6 महीने तक स्पेसिफिक प्रोजेक्शन होना, और 5-6 महीने के अंदर जो भी उस एंजल नंबर के लिहाज से आपकी लाइफ में आने वाले चेंजेस हैं वो हो जाने हैं, ठीक है। और इसके बाद से आपको दूसरे किसी एंजल नंबर का प्रोजेक्शन होगा। अगर इसके बावजूद कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, नए कुछ न्यूमेरिक प्रोजेक्शन आपको हुए तो हैं बट पुराने अभी भी पेंडिंग है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और लगातार इस गाइडेंस को लीजिए। रीज़न, पुरानी चीज़ें पेंडिंग रहेंगी तो आपके आगे बढ़ने में जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होगा, एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, और इस रेजिस्टेंस में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब फील कर सकते हो, नेगेटिव कुछ चीज़ें, ठीक है, हो सकती है, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए जो गाइडेंस जिस समय मिल रही है उसी वक्त उसको अप्लाई करने का, उसी वक्त उसको ओके करने का और कहना चाहिए अपनी लाइफ में लेकर आने का, ठीक है जी। डियर, कोई भी आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, या आपको भी इस तरीके से एंजल नंबर ज़्यादा मिल रहे हो देखने के लिए, तो डियर मुझे ऐसा कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर कोई मैसेजेस ऐसे होंगे जिनका आंसर कहना चाहिए इंट्यूटिव लेवल पर मुझसे दिलवाना हो डिवाइन को, तो ज़रूर उस वक्त में आपके लिए वो मैं मैसेज जरूर छोड़ूंगी, ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।